सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. अब हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरह से बहुत सारे एविडेंसेस थे दैट वर रिलेटेड टू होमोलोगस ऑर्गन्स, एनोलोगस ऑर्गन्स के हमने एग्जाम्पल पढ़े, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं दैट वी हैड स्टडीड, वाटर कनेक्टिंग लिंक्स उसके एग्जाम्पल वी हैड स्टडीड, और उसके अलावा वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दी एटाविस्टिक करेक्टर्स और एटाविज्म क्या होता है, तो ये भी हमने ब्रीफ में स्टडी किया. और उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर वेरियस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. एम्ब्रियो क्या होते हैं, दीज आर जस्ट एवोल्यूशनरी स्टेजेस इन विच द ऑर्गेनिज्म इज बिकमिंग इन एडल्ट. जैसे फीटस कंडीशन एम्ब्रियो कंडीशन होती है इनसाइड द वॉम्ब ऑफ ए फीमेल, तो वो एम्ब्रियो जब चेक किए गए और उनकी अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस को चेक किया गया तो ऑल दे वर पासिंग थ्रू द सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस, उनमें सब में सेम डेवलपमेंटल स्टेजेस थी. जैसे कि जायगोट अगर हम बात करें ना, तो अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस में सबसे पहले अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में क्या आता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान जायगोट बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और वर्टिब्रेट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन एस्पेक्ट है, एसेक्सुअल तो होता नहीं. जायगोट चेंजेस इनटू ब्लास्टुला विच इज ए इरेगुलर सेल और बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म, ए सेलुलर मास डेवलप हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीवेज इज देयर, क्लीवेज के बाद जब इनमें डिवीजन होता है ना सेल में, जायगोट की सेल में क्लीवेज से टू और फोर सेल्स बनती हैं, एंड देन लेटर ऑन ब्लास्टुला स्टेज कम्स. फिर ब्लास्टुला स्टेज के बाद व्हाट हैपन्स, एन इम्पॉर्टेंट स्टेज व्हाट वी कैन कॉल इट गेस्ट्रुला कम्स. बाय द प्रोसेस ऑफ गेस्ट्रुलेशन थ्री जर्म्स हियर आर फॉर्म. गेस्ट्रुला स्टेज में गेस्ट्रुलेशन थ्री जर्म लेयर्स बनती है ना, जैसे कि एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. तो इन थ्री जर्म लेयर्स से होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, और फर्स्ट इनिशियली एम्ब्रियोज आर ऑल्सो फॉर्म्ड हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स. दे आर टू स्टार्ट, दे आर टू डेवलप्ड इन एम्ब्रियोज, जो एम्ब्रियोज में डेवलप्ड होते हैं, और एम्ब्रियो के बाद डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, ये लेयर्स एम्ब्रियो से अल्टीमेटली एडल्ट इज फॉर्म इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन किसमें होती है, आयर, जिसमें से ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम थ्री जर्म लेयर्स, ये हमें मालूम ही है. तो वो सब स्टेजेस जो होती है ना, जब हम एम्ब्रियो को चेक करते हैं डिफरेंट एम्ब्रियोज स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लैट वॉर्म्स से लेकर, ये तो हमारे इसमें आते हैं ना इन वर्टिब्रेट्स की लोअर फॉर्म्स से, फ्लैट वॉर्म्स से होते हुए फिशेज में जाएं, या हम एम्फीबियंस की बात करें, या हम बात करें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब के एम्ब्रियो मिलते जुलते हैं एंड दे पास थ्रू द सेम स्टेजेस इवन अप टू द मैमल्स. दे आर हैविंग सिमिलर काइंड. मैंने तो एक ही एम्ब्रियो यहाँ पे आई हैव ड्रॉन, एंड इफ यू सी ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन द बुक्स, तो ऑल दे विल लुक सिमिलर. थोड़े से एक्सेप्शन होंगे, कुछ थोड़ा सा टॉल होगा या कुछ अर्ली ड्वार्फ होगा, थोड़ा सा कोई कर्व हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो लेकिन जो बेसिक करेक्टर्स फीचर है ना, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से ही नज़र आता है. और आईज रेडीमेंट रूडीमेंट्स आर देयर इन ऑल द एम्ब्रियोज, ईयर रूडीमेंट्स आर देयर, ईयर रूडीमेंट्स आर देयर, गिल स्लिट्स आर देयर, एंड देन नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो हैविंग इट्स ऑन प्लेस इन ऑल दी वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो. ये सब में ना सिमिलर एक जगह और एक से मिलते जुलते नज़र आते हैं. और गिल स्लिट्स की अगर बात करें तो ये दीज आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक, जैसे कि फिशेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं ना ये एक्वेटिक फिशेज में, ये गिल स्लिट्स फंक्शनल होते हैं एंड दे आर मेंट फॉर द रेस्पिरेशन. और गिल स्लिट्स फंक्शनलेस धीरे धीरे किस में हो जाते हैं, सेकेंडरी एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि डॉल्फिन आ गया, ये एक तरह से व्हेल की तरफ, और हम कह सकते हैं मैमल्स की तरफ ये मूव करते हैं, व्हेल्स, डॉल्फिन और व्हाट वी कैन से पॉर्पोइसेस और वी कैन से सील, जितने भी ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तरफ से कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनके फिश लाइक आते हैं नज़र, और कुछ करेक्टर्स दे रिजेंबल विद दैट ऑफ मैमल्स. इनमें गिल स्लिट्स क्या होते हैं, फंक्शनलेस, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, एंड इससे क्या प्रूव होता है कि टेरेस्ट्रियल लाइफ स्टार्ट होने जा रही है, एंड लेटर ऑन नॉन फंक्शनल बिल्कुल गिल्स लॉस्ट हो जाते हैं हायर वर्टिब्रेट्स में, गिल्स लॉस्ट, और उसकी जगह कौन ले लेता है, हायर वर्टिब्रेट्स, जैसे कि ये सब हम बता रहे हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. तो
the in place of gills lungs they come for the respiration but initially gill slits or kuch remnants jo present hote hain embryonic conditions mein they all indicate that there was a common ancestor ki ek hi purvaj tha so all this they are indicating the common ancestor of all these things a common ancestor tha तो जब इनके एम्ब्रियोज को हमने स्टडी किया एक जैसा देखने में नज़र आए इनके डिफरेंट पार्ट्स वी हैड सीन दे वर लुकिंग सिमिलर हैविंग सेम पोजीशन तो जिसके बेसिस पे व्हाट वाज द कंक्लूजन कि ऑर्गेनिजम्स दे आर इवॉल्व फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर शोइंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड हैविंग ए कॉमन एंसेस्टर इनिशियली एक ही एंसेस्टर था जिससे धीरे 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 इवॉल्व हुआ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए और एम्ब्रियोलॉजी इज और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसिस आर ऑल्सो प्रूविंग दैट और उसके बाद हम देखते हैं देयर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जैसे जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताती हैं जैसे टेम्परेरी फॉर्म्ड अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में टेम्परेरी फॉर्म्ड ऑर्गन्स होते हैं कुछ टेम्परेरी फॉर्म्ड ऑर्गन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है क्यों कहा जाता है बर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स इसका क्या मीनिंग है इट मीन्स दैट रेप्टाइल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बर्ड्स रेप्टाइल्स कहाँ से निकले हैं सॉरी बर्ड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स बर्ड्स कहाँ से आए हैं रेप्टाइल्स से आए हैं तो इसमें क्या इंडिकेशन थी जैसे अगर हम एम्ब्रियो की देखें ना बर्ड्स के एम्ब्रियो ऑफ बर्ड देवर हैविंग टूथ इन देयर माउथ उनके ना माउथ में टूथ था इवन दे हैव टू फीड ऑन द योक इन द फीटस और एम्ब्रियोनिक कंडीशन योक पे डिपेंड करते थे बर्ड के अंदर जब फीमेल बर्ड के अंदर वेन एवर दे वर पासिंग थ्रू द डेवलपमेंटल स्टेजेस तो वो योक खाते थे जिसमें दांत की जरूरत ही नहीं होती देन वाई देयर वॉज ए नीड ऑफ टूथ एंड अल्टीमेटली इट वॉज लॉस्ड इन एडल्ट बर्ड बर्ड में तो वो लॉस्ट हो ही जाता है यानी कि दीज टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स वर प्रेजेंट इन बर्ड एम्ब्रियो ऑफ बर्ड इन द फॉर्म जैसे कि टूथ का एग्जाम्पल बताया ना इस तरह से बहुत से और भी कुछ ऑर्गन्स मिले होंगे दे वर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन बट दे वर लॉस्ट और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब वो प्रेजेंट थे एंड दे वर इंडिकेटिंग दैट और ये टूथ किस में प्रेजेंट थे रेप्टाइल्स में ऑफकोर्स तो दे वर इंडिकेटिंग दैट दे आर चेंजिंग रेप्टाइल्स आर चेंजिंग इन टू द बर्ड्स धीरे धीरे रेप्टाइल्स किस में चेंज हो रहे हैं बर्ड्स में चेंज हो रहे हैं और इट इज राइट टू से दैट द बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स ठीक है तो टूथ इसको आई कंप्लीट दिस वर्ड सेंटेंस विद टूथ पे बट टूथ वर एब्सेंट थी इन एडल्ट बर्ड तो उन्होंने क्या प्रूव किया टूथ जो प्रेजेंट थे कि बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स माना गया है नो देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस द मोस्ट रिलायबल एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट करता है विच इज सपोर्टिंग वेरी स्ट्रांगली टू द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन उसमें से एक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज में व्हाट वी कैन से इज रिकैपिचुलेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकैपिचुलेशन थ्योरी रिकैपिचुलेशन थ्योरी वॉज प्रपोज बाय 1828 में वॉन बियर ने इसको प्रोड्यूस किया था वॉन बियर तो इसके भी हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं वैसे तो बहुत डिटेल्स दी गई है बुक में एंड ऑल दो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अवर एनसीईआरटी बट वी शुड हैव इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंट करेक्टर्स तो सॉरी वी कैन से कि वट आर इम्पॉर्टेंट इसमें वट इज़ टू लर्न अबाउट और किस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं आ चुके हैं इसमें से भी क्वेश्चन तो इसीलिए मैं इसको भी बताना जरूरी समझती हूँ कि वट इज़ ए रिकैपिचुलेशन थ्योरी रिकैपिचुलेशन थ्योरी वॉन बियर्स ने प्रोड्यूस की थी कि कुछ जनरलाइज फीचर्स होते हैं ना सम ऑफ द जनरलाइज फीचर्स जनरल फीचर्स इन वर्टिब्रेट्स जनरल फीचर्स इन वर्टिब्रेट्स जब डेवलपमेंट होती है ना उनके एम्ब्रियोज के अंदर तो जैसे कि ब्रेन है स्पाइनल क्लॉड है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और एक्सियल स्केलेटन ये कुछ जनरल फीचर्स हैं नोटोकॉर्ड और लेटर ऑन विच इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रा नोटोकॉर्ड ऑल दे आर अपियरिंग फर्स्ट वो पहले आते हैं एम्ब्रियो में
ये तो हो गए जनरल करेक्टर, सब एम्ब्रियो में ऐसे ही ये करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सबके जनरल हैं। लेटर ऑन मॉडिफाइड करके सम ऑफ दी करेक्टर्स, जो लेटेस्ट करेक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि हम कह सकते हैं हेयर इन मैमल्स एंड फीदर्स इन बर्ड्स और सेकेंडरी करेक्टर्स, ये क्या है, सेकेंडरी करेक्टर्स हैं वर्टिब्रेट्स के, सेकेंडरी करेक्टर्स जो कि एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अर्लियर जो जनरल करेक्टर्स या कॉमन करेक्टर्स हैं वो सब में सेम आते हैं, और लेटर ऑन जब उनमें मॉडिफिकेशन और वेन एवर दे आर डेविएटेड फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेकेंडरी करेक्टर्स आते हैं, जैसे कि हेयर इन मैमल्स एंड फीदर्स इन बर्ड। और ये सब करेक्टरिस्टिक्स क्या शो कर रहे हैं, जो कॉमन फीचर्स सब में डेवलप होते हैं, दे आर ऑल शोइंग दैट दी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वॉज देयर, कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस माना जाता है रिकैपिचुलेशन थ्योरी। अब लेटर ऑन दिस रिकैपिचुलेशन थ्योरी वॉज अगेन रिप्लेस्ड बाई सम अनदर साइंटिस्ट, जिसको हम कहते हैं अर्नेस्ट हैकल, और उसने एक थ्योरी रखी थी, दैट थ्योरी इज वॉट वी कैन कॉल इट इज बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोजेनेटिक लॉ इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ऑन्टोजनी रिपीट्स फाइलोजनी, जिसको बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं। ऑन्टोजनी क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट कोरिलेट्स विद, इट इज कोरिलेटेड विद अंसेस्ट्रल हिस्ट्री, और correlates with ancestral life form. What does it mean? It means that an individual during its development passes through the ancestral history in its abbreviated form, abbreviated means short form, जैसे कि हम example ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स इसको देखने को मिलते हैं, दे आर सपोर्टिंग दी बेस्ट एविडेंसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे, अगर हम स्टडी करें ना एम्ब्रियो को स्टडी करें, जैसे कि फिश में इफ वी सी देयर इज ए सॉरी फ्रॉग्स में, उनके फ्रॉग के एम्ब्रियो में व्हाट इज प्रेजेंट, गिल स्लिट्स आर देयर, गिल स्लिट्स होते हैं, और टेल इज ऑल्सो देयर, एंड ऑल ऑफ दिस टेल इज ऑल्सो देयर, एंड ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन देयर अनसेस्टर्स लाइफ फॉर्म, फिशेज में प्रेजेंट होते हैं, फिशेज की लाइफ स्टेजेस में अपने जो प्रीवियस इससे जिससे ये एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं ना, फिशेज से, फिशेज के जो भी करेक्टर्स थे ना फिशेज के अंदर, ऑल दीज करेक्टर्स आर प्रेजेंट, उसकी जो लाइफ हिस्ट्री के करेक्टर्स थे वो फ्रॉग्स में नजर आए, किसमें, फ्रॉग्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस में नजर आए। ऑन्टोजनी क्या होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस और लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, विच क्या करता है वो अपनी लाइफ अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान अपने एंसेस्ट्रल यानी कि अपने प्रीवियस ऑर्गेनिज्म जिससे वो इवॉल्व हुआ है उसकी लाइफ हिस्ट्री फॉर्म्स को वो शेयर वो से होकर गुजरता है, यानी कि उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री की स्टेजेस आती हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, फ्रॉग गिल स्लिट्स टेल्स होते हैं जो एक फिश के करेक्टर माने जाते हैं, तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस में आते हैं, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर माना जाता है। एक प्रोटोनिमल स्टेजेस सेक्स प्लांट्स के केस में एग्जाम्पल लेते हैं,
प्रोटोनिमल स्टेज आती है मोस की डेवलपमेंट, जैसे ब्रायोफाइट्स मोस में, फ्यूनेरिया में हम देखते हैं ना, हमने प्लांट लाइक करेक्टर्स 11th में पढ़े हुए हैं, तो उसमें हॉरिजॉन्टल प्रोटोनिमल से एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर पहले डेवलप होता है। दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन मोसिस, मोसिस में प्रेजेंट होता है, मोसिस के अंदर। मोसिस क्या है, एक तरह के ब्रायोफाइट्स, फ्यूनेरिया की बात कर रहे हैं। और फिर वो एडल्ट स्टेज में आते हैं, जो एडल्ट प्रोटोनिम एडल्ट मॉस बनते हैं, एडल्ट स्टेज में आते हैं। एंड ऑल व्हाट दिस फिलामेंटस स्टेज इज इंडिकेटिंग दैट दे आर अराइजिंग फ्रॉम दी एल्गी। कहाँ से अराइज हुए थे, दे आर अराइजिंग फ्रॉम दी एल्गी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेज मानी गई डेवलपमेंटल स्टेजेस में। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि फ्लैजिलेटेड स्पॉर्म्स होते हैं और वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ जिम्नोस्पॉर्म्स को। जिम्नोस्पॉर्म में जैसे कि हम साइकस की बात करते हैं या जिंकगो की बात करते हैं, जिंकगो एक लिविंग फॉसिल है, वो हम देखेंगे अभी बात में। और साइकस रेवोल्यूटा बहुत इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पॉर्म्स है, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, उनमें जो फ्लैजिलेटेड स्पॉर्म्स होते हैं दे नीड वाटर मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसकी लाइफ हिस्ट्री भी हम पढ़ चुके हैं जिम्नोस्पॉर्म्स में, और वाटर मीडियम की भी जरूरत होती है, एंड दे ऑलवेज हैविंग फ्लैजिला आर प्रेजेंट। तो इससे ये पता लगता है कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम दी टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट से वो इवॉल्व हुए थे स्लोली एंड स्टीडली। तो ऑल दीज एविडेंसेज, ऑल दो दे आर श्योर एविडेंसेज, वर प्रूव्ड एट सम टाइम, बट लेटर ऑन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स वर डिस्कवर्ड, बट दे वर नॉट रिजेबलिंग द इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ द प्रीवियस सिस्टीफॉर्म। कि उन्होंने कुछ ऐसे हायर वर्टिब्रेट्स थे जिनमें वो इस तरह के करेक्टर्स देखने को नहीं मिले, यानी कि वो अपने अनसेस्ट्रल्स की लाइफ हिस्ट्री को शेयर कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को, जिसके कारण ये थ्योरी डिसप्रूव हो गई। ठीक है, और इसमें आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इसमें आए हुए हैं एग्जाम में, तो आपने रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने प्रोड्यूस की थी एंड उसने क्या बोला था, जनरल फीचर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म से लेटर और मॉडिफाई हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड बायोजेनेटिक लॉ किसने प्रोड्यूस किया था और व्हाट डज इट मीन, ऑन्टोजेनी क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फाइलोजेनी एसेस्टर लाइफ हिस्ट्री, रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इस एंसेस्टर, प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से उसका क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से वो रिलेट करती है ओंटोजनी और फाइलोजनी। तो ये एग्जैक्ट मीनिंग इसी ही फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑल ऑफ दीज आर एवरी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, वॉट इज ए नेचुरल सेलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सेलेक्शन, वो क्या है, दैट वी विल बी प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर एनसीईआरटी।